इस वीडियो में हम लोग जानेंगे NSDL से EKYC पैन कार्ड कैसे अप्लाई होता है, तो क्या इसका प्रोसेस, चलिए मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको NSDL एप्लीकेशन लेना है, जैसे कि गूगल प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है NSDL पाम, तो आपको मिल जाएगा। अभी हम आपको बताएंगे दोस्तों इसमें आधार EKYC बायोमेट्रिक से कैसे आप पैन कार्ड अप्लाई करेगा। सबसे पहले कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, जो कस्टमर का आधार नंबर होगा वो आपको सही से भर लेना है। उसके बाद उसका कैटेगरी ज्वाइन कर लेना है, श्री श्रीमती कुमारी। उसके बाद उसके बाद लास्ट टाइम एंड फर्स्ट टाइम लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट टाइम और फर्स्ट टाइम लिख रही है कस्टमर का। चलिए हम यहाँ पे फटाफट उसका नाम डाल देंगे। नाम डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। अभी कस्टमर का यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ कस्टमर का है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेम फिल करना है। अगर मान के चलो आप वहाँ पे गलत डाल लेगा तो आपका कैप्चर नहीं होगा। फीमेल डाल के दोस्तों हमें हम लोग बायोमेट्रिक स्कैन करेंगे कस्टमर के। यहाँ पे देख पर दोस्तों अभी हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हम यहाँ पे देख उसका जो डिटेल्स हम लोग भरा था यहाँ पे हमारा सामने आ चुका है इस तरह, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चलिए आपको यहाँ पे सैंपल क्या कर लेना है। अगर आपका कोई आधार नाम है तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। तो हम नो कर दिया है, हमारा क्षेत्र में नो हुआ है। यहाँ पे दोस्तों दो बात यहाँ पे है, जैसे कि फादर्स का नाम है बर्मन और जिसको उसका बेटी का नाम है मंडल। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको वो भी बता दूँ। सबसे पहले आपको ऊपर में जो भी उसका पिताजी का नाम होगा, पिताजी का नाम होगा, यहाँ पे पिताजी का डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। फर्स्ट टाइम जब आप उसको कैरप्शन करेगा उस टाइम आपको फादर्स का डिटेल्स मांगेगा। तो दोस्तों उसका पिताजी का नाम हम लोग डाल दिया है, लास्ट टाइम एंड फर्स्ट नेम दोनों में सेम डालेंगे। अभी यहाँ पे डाल दिया है उसको फादर्स नेम। डालने के बाद नीचे हम उसका जो फुल नेम होता है, जो फर्स्ट नेम, वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग डाल दिया है। डालने के बाद उसका नीचे डाउन करेंगे, यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट रहेंगे जो फादर उसका होगा वही बोल, तो पहले ऊपर में रहेगा पैन कार्ड का ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फादर्स नेम में हम लोग रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताएगा सोर्स ऑफ इनकम, जो भी कस्टमर की इनकम है। तो मेरा क्षेत्र में इसमें होता है नो इनकम। तो वीडियो स्पीड में कर रहा हूँ, आपको शुरू से एक लास्ट तक देना है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा है सिलेक्ट एनुअली जो है आपको इंडियन, तो आप यहाँ पे इंडियन कर देंगे। मैं चले मैं यहाँ पे इंडिया डालेंगे। तो मोबाइल थोड़ा हैंग होता है क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा स्लो है, ठीक है। मेरा मोबाइल थोड़ा कमजोरी हो गया, पर स्क्रीन फट गया है, गिर गया था। तो अभी मैं इंडिया यहाँ पे निकल रही हूँ। चलो मैं इंडिया कहाँ पे होगा वो इंडिया पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम अभी आ चुका है यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर दिए इंडिया में। अभी इंडिया का ISD कोड होता है 91, वो भी आपको सेम भर लेना है। इंडिया में जितने वाले लोग हैं 91 डालना है। अभी कस्टमर का यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको एक बार आपको बता दूँ, स्क्रीन शॉट लेने के लिए जा रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अभी इंडिया सेलेक्ट करने के बाद चले मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा दूँ। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आधार कार्ड का मोबाइल नंबर लिंक, सॉरी आधार कार्ड नंबर डालना है, उसका नाम डाल देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड में आपको क्या करना है, उसका फादर्स का नेम डालना है और उसका इनकम कितना है वो भी आपको डालना है। चले मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा प्लेस होगा, जिस जगह में मेरा पैन कार्ड डिलीवरी होगा उसका प्लेस का जगह का नाम डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे बता रहा है प्लीज़ दिस फील्ड ब्रो, तो यहाँ पे आपको अगर मान के चलो जो भी नाम ले रहा है उसमें अगर आप स्पेस डालेगा तो आपका नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको इसके जो स्पेस जो होता है आपको हटाना पड़ेगा। चलिए जो भी आप नाम लिखा है उसका आगे स्पेस देगा तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो हम आपको डायरेक्ट लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, नेक्स्ट कर दिया है। दोस्तों अभी आपका AU कोड बताएगा जो भी आपका एरिया का होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है इंडियन सिटीजन। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बताएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे भर के दिखाएंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, हमारा ऑटोमेटिक यो कोड जो होता है हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हमें हम लोग स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जो भी हमारा स्टेट होगा वेस्ट बंगाल। उसके बाद दोस्तों हमको कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा सिटी। चलिए हम यहाँ पर सिटी भी डाल देंगे। चलिए हमारा मालदा सिटी है, तो मालदा डिस्ट्रिक्ट है, मालदा डाल दिया है। अभी दोस्तों आप नीचे देख पा रहे हैं हमारा जो AO कोड है दोस्तों अभी आ चुका है, सबमिट करेंगे अभी। चलिए मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ आराम से। यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। चलिए सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारा AO कोड सक्सेसफुल हो चुका है सबमिट। अभी आपको प्रीव्यू करने के लिए एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपको प्रीव्यू करना है क्योंकि आपका लास्ट आपका फाइनली है आपको सबमिट करने का। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई गलत हो रहा है तो अभी भी आप सुधार सकती है, नहीं तो जब आप सबमिट करेगा तो आप सुधार नहीं कर सकती है। तो मेरा सिचुएशन में क्या है, मेरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी सही है। अभी नीचे आएंगे,
और नीचे आके हम लोग कंफर्म करेंगे तो अभी देखो देख पा रहे फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अभी आपका सामने दो ऑप्शन आएगा, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको आधार ओटीपी करना है, अगर आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा सिस्टम में क्या होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है, बोलो तो बायोमेट्रिक से कस्टमर से उंगली से थंब लगाना है तो हमारा KYC पैन कार्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे कस्टमर का थंब लगाएंगे। अगर इसका आईडी लेना चाहता है तो आप www.digitalashokistore.com में जाके इस आईडी को ले सकती है बिल्कुल सस्ता रेट में। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आप देख पा रहा है, इसमें आपको जाके ले लेना है। ठीक है, तो चलिए हम दोस्तों कुछ टाइम वेट करेंगे, अभी टच कर थोड़ा मोबाइल स्लो है उसलिए। तो दोस्तों हमारा अभी कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है, कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे KYC सक्सेसफुल हो चुका है। होने के बाद हम इस जगह में क्या करेंगे, ओके बटन में क्लिक करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों आपका सामने क्या आएगा, चलिए यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं आपका सामने इस तरह का फॉर्म आ जाएगा, जैसे कि यहाँ बता रहा है साइन करने के लिए। ठीक है, तो आपको दोस्तों क्या करना है, बायोमेट्रिक साइन करना है, क्योंकि हमारा आधार OTP नहीं है, मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, हमको बायोमेट्रिक ऑनबोर्डिंग करना है। उससे पहले दोस्तों हमको यहाँ पे भी देख पा रहा है व्यू फुटेज डिटेल्स बिफोर, तो दोस्तों यहाँ पे आप सीन कर सकती है आपका डॉक्यूमेंट जो फिलअप किया है, उस डॉक्यूमेंट देखने को कैसा होगा तो आप ऊपर में जाके भी देख सकती है। तो चलिए हम यहाँ पे ई साइन कर देंगे, हमारा आधार कार्ड में जो नंबर होगा उसी से करेंगे बायोमेट्रिक से, क्योंकि हम बायोमेट्रिक से करेंगे, हमारा आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लिंक नहीं है। तो दोस्तों आज का जो ट्रॉफिक है इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बता दिया हूँ, यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, इसमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, ओके करेंगे। और दोस्तों अभी आपको क्या करना है, कैप्चर फिंगर में क्लिक करना है, जो डिस्प्ले में आपको चुप के क्लिक करना है, दोस्तों देख पा रहे हैं सबमिट नहीं हो रहा है, कि आपको क्या करना कैप्चर फिंगर में क्लिक करना। ठीक है, तो चलिए हम इस जगह नंबर चेक कर रहे हैं, नंबर भी बड़ा बड़ा है। अभी दोस्तों क्या करेंगे, कैप्चर फिंगर में क्लिक करेंगे, जैसे देख पा रहे हैं कैप्चर फिंगर हमारा ओपन हो चुका है, हम मंत्रा डिवाइस से कर रहे हैं, आपके पास जो भी डिवाइस है सभी होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइम वेट करेंगे, हमारा जो कैप्चर होता है सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों हमारा कैप्चर सक्सेसफुल हो चुका है, अभी आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको कुछ टाइम लोडिंग लेने के बाद आपका सामने, चलिए मैं कन्फर्म कर दिया हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले में हमारा सक्सेसफुल हो चुका है जनरेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुल जनरेट हो गया है, तो आप इस तरह कर सकती है।